हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज कैप्सूल। हम जो है देख रहे हैं ग्लोबल कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रशिया बिकम्स कम्युनिस्ट। तो रशिया पहला देश था जिसके अंदर साम्यवादी सरकार बनी। तो ये साम्यवाद रशिया के अंदर कैसे आया, इसके बारे में हम ये वीडियो में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज इमरान शेख। तो शुरू करते हैं एक ईमेज से। ये व्यक्ति आप जो देख रहे खड़ा है, ये है लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। इन्होंने जो है मार्क्सवाद से प्रभावित होकर रशिया के अंदर अपने ही प्रकार की लेनिनवाद लाया। तो देखते हैं ये उन्होंने कैसे लाया। द रोमानोव डायनेस्टी वॉज रूलिंग रशिया फॉर सेंचुरीज व्हेन स्टार्टिंग 1880s क्रैक बिगैन टू अपियर। तो सदियों तक जो है रोमानो वंश साम्राज्य था, रोमानो वंश का साम्राज्य था और वो रूल करते थे। लेकिन 1880 के पश्चात जो है यहां पे दरारें पड़ने लगी। रशियन रिवोल्यूशनरी व्लादिमीर लेनिन अडॉप्टेड मार्क्सिज्म एंड कन्वर्टेड इट टू लेनिनिज्म। तो उस दरारों का फायदा लेते हुए जो रशियन रिवोल्यूशनरी थे, रूसी क्रांतिकारी थे, उन्होंने जो है मार्क्सवाद पढ़ा हुआ था, जो कार्ल मार्क्स ने लिखा था दास का कैपिटल में। हमने जैसे देखा पिछले वीडियो में, कार्ल मार्क्स का जो दास कैपिटल के अंदर मार्क्सिज्म था उसे उन्होंने पढ़ा था और उससे वो प्रभावित थे। तो उन्होंने कुछ अपने एलिमेंट्स उसमें डाल के अपना ही लेनिनिज्म बनाया और उनका एक ही उद्देश्य था, सत्ता हथियाना। तो लेनिनिज्म क्या था? तो लेनिनिज्म इज इक्वल टू मार्क्सिज्म, जो कार्ल मार्क्स ने लिखा था, प्लस अ वैंगार्ड पार्टी, यानी कि एक सचेतक दल। सेकेंड था सिक्योरिंग ऑल पॉलिटिकल पावर्स, सारी राजनीतिक शक्तियां हथिया लेना। और तीसरा था यूनिवर्सल वर्कर पार्टिसिपेशन, यानी कि सार्वभौमिक श्रमिक भागीदारी। तो ये तीन चीजें उन्होंने लेनिनिज्म में ऐड की थी और मार्क्सवाद में उन्होंने ऐड की थी और उन्होंने अपना खुद का मॉडल लेनिनिज्म बनाया था। तो ये मार्क्सिज्म जो था ये थ्योरेटिकल था, जिसे हम कह सकते हैं थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ कम्युनिज्म, और लेनिनिज्म जो था ये था प्रैक्टिकल फाउंडेशन ऑफ कम्युनिज्म। तो इससे पहले प्रैक्टिकल कम्युनिज्म कोई देश में नहीं आया था, तो ये पहला देश था जिसके अंदर प्रैक्टिकल कम्युनिज्म आया था। इससे पहले कार्ल मार्क्स ने सिर्फ बुक्स में लिखा था, तो इसे हम प्रैक्टिकल फाउंडेशन ऑफ कम्युनिज्म कहेंगे। मार्क्सिज्म इज थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ कम्युनिज्म और लेनिनिज्म इज प्रैक्टिकल फाउंडेशन ऑफ कम्युनिज्म, हमने जैसे देखा। लेनिन लेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन इन अक्टूबर 1917। तो लेनिन ने जो है अक्टूबर 1917 में विश्व का सबसे पहली साम्यवादी क्रांति की साम्यवादी क्रांति से रूस की सत्ता हथिया ली एंड ग्रैब्ड पावर इन रशिया। तो उन्होंने जो है ये मार्क्सिज्म को तीन पॉइंट्स ऐड करके लेनिनिज्म बनाया और लेनिनिज्म यूज करके उन्होंने पहली कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन दुनिया में लाई और रशिया की सत्ता हथिया ली। तो ये कैसे हुआ और ये सब कैसे फैला कम्युनिज्म, हम इस डायग्राम के जरिए समझेंगे। तो 1850 to 1900 जो है मार्क्सवाद था, यानी कि मार्क्सिज्म था। उसके बाद जो है लेनिनिज्म आया 1910 to 1924, जो व्लादिमीर लेनिन लेके आए। उसके बाद जो है अक्टूबर 17 रशियन रिवोल्यूशन सिविल वॉर 1918 to 1922। तो अक्टूबर 1917 को रूसी क्रांति हुई, जिसे अक्टूबर रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। रूसी क्रांति के बाद रोमानोव परिवार को जो है खत्म कर दिया गया
और उसके बाद जो है सिविल वॉर यहां से चालू हुआ, यानी कि गृह युद्ध 1918 से 1922 तक लगभग 4 साल गृह युद्ध चलता रहा। इसके अंदर दो दल थे, एक थे बोल्शेविक्स और दूसरे थे मेंशेविक्स। बोल्शेविक्स यानी कि मॉडरेट्स और मेंशेविक्स यानी कि माइनॉरिटीज। तो बोल्शेविक्स लेनिन जो थे वो बोल्शेविक ग्रुप को बिलोंग करते थे और उनका ये मानना था, ये जो है लेनिन इन्हें बिलोंग करते थे और इनका मानना था कि रातों रात क्रांति होनी चाहिए। और मेंशेविक्स का मानना था, ये जो है मध्यम वर्गीय थे और अल्पसंख्यक थे, और इनका मानना था कि थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। तो आखिरकार बोल्शेविक्स जीत गए, लेनिन जीत गए। उसके बाद जो है लेनिन की कुछ सालों बाद मृत्यु हो गई और जोसेफ स्टालिन का उदय हुआ, राइज ऑफ स्टालिन 1920s। उसके बाद नए प्रकार का कम्युनिज्म आया, दैट इज स्टालिनिज्म। स्टालिनिज्म क्या ही हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, लेकिन जैसा ही लेनिनिज्म था वैसा स्टालिनिज्म भी था, कुछ माइनर चेंजेस के साथ। तो 1930s से लेके 1950s तक जो है स्टालिनिज्म चला, तो स्टालिन के हाथ में सत्ता थी। उसके बाद जो है उसके प्रभाव से ईस्ट यूरोपियन कम्युनिज्म फैला। तो ईस्ट यूरोपियन यानी कि पूर्वी यूरोपीय साम्यवाद 1940 से 1980 तक फैला, जिसके अंदर बुल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लाविया, हंगरी ऐसे देश जो है ये भी कम्युनिस्ट बने। और चाइना का उदय हम जानते हैं 1949। तो ये डायग्राम के ये सब जो है डेविएशन फ्रॉम कम्युनिज्म हम इसे कहेंगे। ये जो है ना ये दो चीजें, स्टेलिनिज्म 1930 से लेके तो 1950, और ईस्ट यूरोपियन कम्युनिज्म जो है, ये दोनों चीजें डेविएशन फ्रॉम कम्युनिज्म यानी कि कम्युनिज्म के पार्ट्स है। ऑन 19 दिसंबर 1922 द वेरियस SFSRs केम टुगेदर टू फॉर्म USSR। तो 19 दिसंबर 1922 को अलग अलग SFSRs साथ आए और उन्होंने USSR फॉर्म किया। SFSR का फुल फॉर्म क्या होता है? सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक। और USSR का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और सोवियत का मतलब होता है वर्कर्स कमेटी। तो ये दो फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सोवियत का मतलब क्या होता है। तो ये एक छोटे से डायग्राम के अंदर, एक छोटे से वीडियो के अंदर हमने जो है रूस का जो साम्यवाद है वो हमने समझने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन पे आपको क्लिक करना है और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट्स। इसके ऊपर हमने 1100 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड किए हैं जो आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशंस में आपको हेल्प करेगा। और आपको करना क्या है, ये वीडियो आपको कैसा लगा वो नीचे आपको कमेंट करना है, और कुछ आप सजेशंस देना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।